भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी अब तक दो बार कैंसिल हो चुकी है। 7 दिन का मिशन 3 बार आगे बढ़ाया गया है। इसकी वजह है क्रू मॉड्यूल में आई गड़बड़ी। इसी के सहारे सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर ने अपनी उड़ान भरी थी। नासा के अनुभवी परीक्षण पायलट बूच विलमोर और सुनीता विलियम्स ने 5 जून को ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला के लिए बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी थी। विलियम्स और बूच विलमोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाई टेस्ट मिशन वर्षों के इंतजार और असफलताओं के बाद रवाना हुआ था। विलियम्स और विलमोर के करीब 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहने का अनुमान था, जो कैप्सूल की जाँच करने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल में समस्याओं के कारण नासा और बोइंग को उनकी धरती पर वापसी की योजना कई बार कैंसिल करनी पड़ी। इसी बीच नासा का ताजा बयान आया है। नासा ने अपने बयान में बताया है कि सुनीता विलियम्स सहित नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही समय बिताना पड़ेगा। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 13 जून को धरती पर वापस लौटना था। बोइंग के खराब होने के कारण दोनों 16 दिनों से अंतरिक्ष में फंसे हैं।